चलो जी रेडी हो, आप सब निकलते हैं। आहिल को सॉक्स नहीं मिल रही, आहिल ने एक ब्लैक पहन लिया एक वाइट पहन लिए। ब्लैक वाइट वही ना, सारी लॉन्ड्री हुई रखी है लेकिन उसको हमने करना है फोल्ड, जिस चक्कर में ना आहिल साहब ये काम कर गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। जनाब गला बहुत ख़राब है और मौसम भी बहुत ख़राब है, ये इसी वजह से सारा कुछ ख़राब हुआ हुआ है। ठीक है चलते हैं जी, निकलते हैं। पेट्रोल की प्राइस आपको चेक करवाती हूँ, हर रोज महंगा हो रहा है, कोई इस बंदा इतनी गल नहीं कर रहा। ये कॉइंस मुझे मिल गए जी, मैजिक चेक करें डबल हो गए। आज आप मेरे साथ बाय द वे क्या कर रहे हैं, कभी मुझे कुछ पकड़ा रहे हैं कभी कुछ पकड़ा रहे हैं, और आगे से मैं वली को पकड़ा रही हूँ। वली पकड़ लो ना। वली सब जा रहे हैं सिलेंडर लेने। वैसे मैं सिलेंडर के बारे में कभी सोचती थी ना तो मुझे जहर लगता था, लेकिन अभी मुझे ये टेंशन होती है कि ख़त्म हो तो आगे होना चाहिए, तो बस टाइम टाइम की बात है ना। अब पता है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और इससे मुझे डर भी बहुत लगता था, अभी भी लगता है, बस अल्लाह की स्पुर्दी कर देता है बंदा। आज हम अंदर नहीं गए हैं कि अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन टाइम अभी भी खैर थोड़ा नहीं लग रहा। अभी वली खुद ही लेने गया हुआ है तो ये सीन चल रहा है। वली साहब आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? हाँ इतना टाइम लग गया वली को, शुक्र है लेकिन फिर भी आ गए हैं वली साहब। आज मौसम बहुत अच्छा है, देखो जी ये कोई समझ नहीं आ रही, करो मैं जैकेट पहन के आ गया तो मुझे लग रही है गर्मी, तो जे अगर मैं गाड़ी तो बाहर निकलना तो मुझे लग रही है सर्दी। ये चक्कर की है यार, ये वही चक्कर है जिदी आज तक किसी ने नहीं समझ आई। अच्छा दिल नींद और वक्त जेड़ा ना इन्हें तिना का आपस बहुत गहरा तलक है। दिल नींद और वक्त, वक्त ओके, इन्हें आपस बहुत गहरा तलक है। बचपन दे विच नींद भी आ रही होंदी है, टाइम भी होंदा है, लेकिन दिल नहीं करता ना। जवानी दे विच नींद भी आ रही होंदी है और टाइम ही नहीं होंदा। दिल किस चीज का प्यार करना? सोने का। बुढ़ापे में वक्त भी होता है, नींद भी आ रही होती है, लेकिन दिल नहीं करता वली, तो ये भी चक्कर हो ही है। ये बड़ी अजीब जी यार कोई लॉजिक है, कोई समझ ही नहीं आती कि नींद दिल और वक्त इन्हों का आपस क्यों इन्ना गहरा तल्लुक है। अगर किसी नूं पता है तो जरूर दसना जी। अहिल आओ ना बेटा, अहिल बेटा मार्केट आ गई, आ जाओ बाहर सोए हुए घर से नहीं जाना आपको। अहिल की तबीयत ही नहीं ठीक है, घर से आ गए हो और यहाँ आके बाप बाहर नहीं निकल रहे। जी हमारी जो है ना ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई है, देख रही हूँ भी आलू इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक आधा ज़रूर ख़राब होता है। फ्रूट्स देखते हैं जी कौन कौन से ठीक लग रहे हैं, फ्रेश होना चाहिए बस, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ना कीवी ले लूँ। देखती हूँ चेक करके उठाती हूँ बॉक्स। बाय बाय वली। अब मेरे बच्चों को भी पता चल गया, मुंह बंद करके बदतमीजी कर रही हूँ। बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकान है, आप सब तो सिर्फ इधर का ही रास्ता नजर आता है। हाँ मुझे ये अच्छा लगा, सभी गोल्डन पड़े हुए लीवर दे चले देख रहे हैं, बच्चे भी नहीं अब रुकने देते मुझे। आलमी में जनाब ये सब कुछ आया हुआ है, रोटीज के लिए रुमाल भी आए हुए हैं, फ्राई पैन भी आए हुए हैं और ये बॉक्सेस वगैरह भी आए हुए हैं और बड़ा कुछ आया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो आ जाएं। ये वाले फ्राई पैन भी आए हुए हैं अंगे बोर्ड में 1199 का, आपको साइज़ चेक करवा देती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीज़ें बेचने वाली नहीं होती, मैं आपको साइज़ चेक करवा देती हूँ, किसी को ऑनलाइन बाय करना है तो कर लें। अच्छा, वली को लग गया ज़ोर से, अब उसने बदला लेना तुम्हारे से, ज़रूर तैयार रहना। वली ने लेना इफा से कोई बदला, उसे कह रहा है इधर आके देखो। क्या लेना क्या चाहते हो? मुझे कोई नहीं पता, मेरा खुद दिमाग खराब हुआ है। आ जाओ
इफा जबरदस्ती बताएगी अब कौन सा अच्छा ये ले लो। अच्छा मैंने ना ये लिए यहाँ से, ये स्पूंस भी हैं और साथ में स्ट्रॉ भी हैं, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, एक छोड़ देते हैं किसी और के लिए, बाकी के मैंने ले लिए हैं। बाय। अभी बदले के बारे में सोचा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो डॉगी के लिए होता बेटा, ये खा लो। नहीं ऐसे तो नहीं कहते, ये फाकल कुछ थी है मेरी क्या आ रहा था मैं ये लो आता हूँ। ग्रॉसरी करने के बाद ये काम बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रा चेक करें कि नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है, और साथ में थोड़ा सा भूख को भी कम करते हैं। ये लेके आई हूँ, वैसे मुझे ये लास्ट लिए थे एक दफ़ा बहुत पहले, याद आ गया। बस टेस्टलेस ही होते हैं, देखते हैं अभी चेक करते हैं। नॉट बैड, मज़े का ही है। अभी मैं आ गई हूँ प्रॉफिट उस पर, सॉरी प्रॉफिट प्राइस पर, तो आते साथ मुझे ये ना प्लांट्स मज़े के लग रहे हैं आर्टिफिशियल। ये इस तरह का स्टोर है, इस पे आके ना बहुत बड़ा है, थका हुआ स्टोर है, लेकिन ना ऐसा होता है कि जो आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है ना, सफाई वाली स्पेशली मैं लेने के लिए आ जाई हूँ। देखते हैं यार, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं जो भी है ना। अच्छा जी, वो थोड़ा थोड़ा सा अपना चेक कर रहे हैं और हम थोड़ी सी डेको चेक कर लेते हैं। हम अपने फेवरेट सेक्शन में आ जाते हैं। आयल पापा बुला रहे हैं आपको। ये देखें जी, ये पड़ी हुई चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है ना, सेट मेट होकर रखी हुई है उन्होंने। फ्लो मार्क्ट है जनाब, यहाँ पे सब पीछे पुरानी यूज चीज़ें भी रखी हुई हैं इन्होंने, मतलब लंडा लाइक, जैसे लंडा बाजार नहीं होता वो भी सीन है, लेकिन इधर न्यू भी होती हैं और यूज़ भी होती हैं। अब ढूंढते हैं जी इन लोगों को, ये मुझे मिल गए हैं और क्या ढूँढ रहे हैं ये लोग। ग्रॉसरी करके हम जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ चुके हैं, और बस अब इसको मैं सारा सेट करती हूँ। ग्रॉसरी करने का इतना काम नहीं होता जितना फिर बाद में माशाल्लाह संभालने का काम होता है। चलें जी, इसको मैं संभालती हूँ अब। और ये स्पेशल ग्रॉसरी जो ना माशाल्लाह हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो बस फिर मैंने कहा अभी कर लेते हैं, मंडे को यहाँ पर छुट्टी है, तो नेक्स्ट वीक में वो आएँगे इंशाल्लाह ताला, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। आ रहा है नज़र, निकालो आप। नहीं जी, हमने फर्स्ट ट्राई किया, फोकाचे रेडी लाए थे। हाँ, नहीं जले है, नहीं फा। तुम्हारा जले, तुम नहीं खाने। ऊपर वाले हाँ ज्यादा ब्राउन हुए, लेकिन नीचे से नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं हुए। दिखाओ इफा। मेरा बेबी अपने लिए आज न्यू कलर्स लेके आया है, और देखें गाइस अभी हम आदम को चेक करते हैं कि आदम साहब कलर्स कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। लास्ट टाइम भी आदम ने कलर्स लिए थे, लेकिन उनका वो हशर किया था। अभी मैंने आदम को काफ़ी मना किया कि आपने इनको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, कोई एक दिन तो गुजर जाए, बच्चे एक दिन भी नहीं गुजारते हैं। और ये देखें, अभी से हमारा स्टेमिना भी लूज़ हो गया, ठीक है, और बस गला ख़राब है ना, इसलिए वर्ड मेरे सारे आगे पीछे होते हैं। ये देखें मेरा बेबी, और ना आदम की तबीयत आजकल ठीक नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, आदम की तबीयत ख़राब ही रहती है ज़्यादा, फीवर और ये वो इस तरह ना, तो बस टॉन्सिल्स की वजह ही है शायद। देख लें यार कितना मेरा बेटा जो है ना, उसकी हिम्मत ख़त्म हुई हुई है। बाहर भी थोड़ा चेक करते हैं, यहाँ पर है कुछ शादी, और उसके लिए आपको मैं कार चेक करवाती हूँ। वाओ, काफ़ी टाइम के बाद मुझे नज़र आई है। अभी ये आगे भी आएंगे, सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, जैसे हमारी तरह पहले इकट्ठे होते हैं फिर चलते हैं, तो अभी ये देखते हैं क्या सीन चलता है ना यहाँ पर। बचपन में बड़े शौक से मैं दुल्हन देखती होती थी कि नई दुल्हन कहाँ पे शादी हो रही है, यहाँ पर एक नई दुल्हन आएगी, क्या मज़ा आएगा। तो अभी जो है ना वो दुल्हन देखे भी बड़ा टाइम हो गया है, चलें इनकी देखते हैं ये क्या है। अभी यहाँ से जा रहे हैं या ले आए हैं दुल्हन, क्या सीन है पता नहीं। और यहाँ की शादियों में ना बैंड बाजों से हट के ये क्या होता है, हॉर्न ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के देते हैं, बस उसी में ये इंजॉय करते हैं। ओए आ जाओ आप लोग, मैं वेट कर रही हूँ यार, ये आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शायद यहाँ पे सलोन है, दूल्हा रेडी ना हो रहा हो। लें जी, आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े हैं, अल्लाह किया आगे आगे आ रहे हैं। लें जी, चेक करें मेरे साथ साथ, अभी हॉर्न स्टार्ट हो गए, देखो इतनी सी बारात थी बस छोटी सी, 5 गाड़ियों वाली ये लास्ट कार है। वाह,
बहुत मुश्किल से इतनी सी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, गला मेरा फुल टाइम बैठा हुआ है। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और बच्चे अब 2 वीक्स के लिए कर रहे हैं, उनके साथ सारी रूटीन में आपके साथ शेयर किया करूँगी। अल्लाह हाफिज़।